एक चीज जो थी वो देखने आया था, मैं आपको बताओ होगा, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी इस वाले रूम में, आप पहचानी गए होंगे। तो मेरा टाइम पास था, वो पता ही, मेरे खाने के बिना टाइम पास तो होता नहीं है, तो मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था। और मंजू बुआ है वो जाने वाली है रुड़की, क्योंकि हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल गुड लाइफ ऑफ युवराज। और गाइज, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं अपने नए घर, क्योंकि वहाँ पर सारा काम डन हो चुका है, सिर्फ जो धुलाई और सफाई होती है वो चल रही है। और 20 को हमारे वहाँ पर गृह प्रवेश है, तो उससे पहले हमको शिफ्ट भी करना है। 19 को हमको शिफ्ट करना है, और मतलब वैसे तो शिफ्ट हमको 19 को करना है, बट आज से, कल से, परसों हमको 3 दिन हमारे पास हमारा सामान पैक करने के लिए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा। अभी हम फंक्शन से कंप्लीट हुए थे कल ही रात को, और आज हम आपको शिफ्टिंग की तैयारी भी करनी है, तो इन सारी चीज़ों के चलते अभी हम जा रहे हैं अपने घर। तो गाइस, मम्मी और बुआ भी रेडी हो चुकी हैं, और आज बुआ को जाना है रुड़की, और आज फूफा जी और सुमित भी आ रहे हैं हमारे घर। और यहाँ पर सफाई चल रही है, धुलाई चल रही है, देख सकते हो आप पीछे, आज पूरा क्लीन हो चुका है। अच्छा, वो कर रहा हूँ, और गाइस पूरा यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे पूरा क्लीन हो रखा है। आप देखो चिमनी भी लग चुके हैं यहाँ पर, और अब देखना ये खुल चुकी है, और ये सेंसर वाली है शायद। अंधेरे में दिख भी नहीं, लाइट नहीं आती, लाइट पता नहीं कहाँ है मम्मा, लाइट वो बुक आया ना वो ही चल रहा है, देखता हूँ। अबे भाई ये तो खुल जा, अरे बहने देना अभी थोड़ा उसे बंद कर, वहाँ से कर रहा। तो गाइस अभी किचन में सिर्फ किचन का काम रह रहा है, किचन का कल सर्विसिंग पूरी हो जाएगी कल, और बाकी आप सब देख सकते हो यहाँ पर भी पूरा हो चुका है क्लीन, यहाँ पर भी पूरा क्लीन हो चुका है। तो गाइस अब यहाँ पर बस वेट है कब हम शिफ्ट होंगे, हैं बुआ, और बुआ भी 20 तारीख तक यही है, और आज फिलहाल जा रही है रुड़की, जा रही है ना बुआ, कब आओगे फिर? 20 को। अच्छा, 20 की सुबह सुबह मॉर्निंग, हाँ जब गृह प्रवेश होगा। और ये वाला भी पूरा हो चुका है, मतलब लगभग सब हो चुका है, बस धुलाई वगैरह जो लास्ट का काम है, धुलाई वो सब रह रहा है, क्योंकि मम्मी ने पहले ही बोल दिया था मैं नहीं करने वाली, क्योंकि मम्मी कह रही मैं नहीं करूँगी, यहाँ के कोई धुलाई सब करके देना। बट एक चीज़ जो थी वो देखने आया था, मैं आपको बताऊंगा, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी इस वाले रूम में, आप पहचानी गए होंगे। तो गाइस गैस करो क्या चीज़ हो सकती है वो। तो गाइस वो चीज़ थी बीच में जो पट्टी थी, इन्होंने ये ग्रीन कलर की कर दी, जो कि बिल्कुल बेकार लग रहा था, और मैंने उस दिन में बोल के गया था इनको कि आप इसको वाइट करना, और उन्होंने कर दिया है फाइनली। अब ये थोड़ा अच्छा सा लग रहा है रूम, और सही लग रहा है। तो गाइस अभी हमने देख लिया सारा काम, और बस धुलाई वगैरह चल रही, नीचे आपको आवाज़ आ गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना मोटर भी चल रही है, और धुलाई चल रही है तो मोटर भी चल रही है, और खटपट खट हो रहा है। तो फाइनली घर जो है वो कंप्लीट हो गया है, 1 महीने से हम इसका वेट कर रहे हैं, कब हम शिफ्ट हों इधर, कब हम शिफ्ट हों, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी टेंशन रह रही है दिमाग में, कब शिफ्ट करना है, तो हम शिफ्ट होंगे शायद कल परसों से स्टार्ट कर देंगे हम अपनी पैकिंग, तो हम आज से स्टार्ट कर देंगे, मैं अपनी पैकिंग तो अपने जो कपड़े वपड़े हैं वो आज से स्टार्ट कर दूंगा पैक करना, बट जो मेन जो सामान इधर आएगा वो हम परसों करेंगे शायद, आई थिंक 18 को, बस ये काम है, तो चलते हैं। तो गाइस अभी बुआ और मम्मी को लेके मैं आ रखा हूँ स्टूडियो, क्योंकि बुआ को कुछ शॉपिंग करनी थी, तो अभी दोनों कुछ ना कुछ देखे जा रहे हैं।
फिलहाल ये दोनों आ रखे हैं यहाँ पर वी मार्ट, और बुआ को ज़रा नीचे से प्लाजो या पैंट लेनी थी तो इसलिए हैं। बुआ क्या प्लान है फिर, देखे जा रहे हैं यहाँ पर। तो गाइस अभी तो फिलहाल हम आ गए थे बाहर से, और देखो अब कौन आ रखे हमारे घर में, आरू परी और मौसी आ रखी हैं अभी हमारे घर में। अभी हम वहीं से आए और ये लोग भी आ गए हैं। तो गाइस मैं आरू के यहाँ पर ब्लैक बोर्ड दे देता हूँ, जिससे कि ना ये फिर डिस्टर्ब ना करे किसी और को। तूने करा है कितना अच्छा है बताऊँ अभी, ले चुप लगी रहे यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस वैसे आपको बता दूं आज मेरा व्रत था, तो ये दो मैं वैसे भी घर में बोर हूँ, मेरा टाइम पास था, वो पता ही मेरे खाने के बिना टाइम पास तो होता नहीं है, तो मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, और ये दोनों आ गए तो मेरा टाइम पास हो रहा है, और मुझे इनको देख के हंसी आ रही है, गुस्सा आ रहा है बस। अभी थोड़ी देर में जो मंजू बुआ हैं वो जाने वाली हैं रुड़की, क्योंकि फूफा जी लोग आ रहे हैं और फूफा जी नीचे से ही चले जाएंगे। फूफा जी आएंगे फिर 20 को, और बुआ भी आएंगी और सुमित भी आएगा, है ना। जल्दी आना, कहीं ये नहीं कि वहीं रुक जाओ, नहीं जल्दी आएंगे। तो गाइस सुमित का फ़ोन आ चुका है और बुआ अब जा रही हैं रुड़की, अब आएंगी बुआ 20 को। चलो बुआ भाई कट्टा लेके जाओ, मैं कट्टा पकड़ता हूँ। हाँ ये लो कट्टा हल्का है ना, ये आप पकड़ लो। चलो चलो गाइस चलते हैं बुआ को छोड़ने नीचे। तो गाइस बुआ को छोड़ दिया है, बुआ चली गई रुड़की, अब बुआ आएंगी 20 को, और अभी मम्मी ने पूजा कर ली है तो आपको दर्शन करा देता हूँ। तो गाइस आज आपको सच्ची बताऊँ तो मैंने जब पहले व्रत रखा था, जब फर्स्ट व्रत नवरात्रि का, तब तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। मैं भूख तो क्या लग रही थी, टाइम पास नहीं हो रहा था, सबको पता था, भूख तो नहीं लग रही थी पर टाइम पास नहीं हो रहा था कह सकते हैं, और ऐसा लग रहा था कि यार ये बड़ा लंबा दिन है। लेकिन आज आज तो ऐसा लगा जैसे दिन ख़त्म ही हो गया, जैसे कस बिल्कुल पता नहीं लगा। तो बुआ भी थी और बुआ भी थी फिर आरू परी भी आ गए थे, और बुआ भी हम बुआ के संग बड़ी अच्छी होती है, तब तो आज बिल्कुल पता नहीं लगा। और फिर हम घूमने भी चले गए, फिर हम घर गए, फिर जूडियो गए, फिर मैं आया वापस, फिर जूडियो गया, तो उस चक्कर में पता नहीं लगा कि कब जो दिन है वो कट गया। और अब मम्मी तैयारी कर रही है किचन में कि अभी शाम को खाने में क्या बनेगा। तो गाइस इसमें मम्मी ने रख दी है आलू, और आज बनेंगे आलू की सूखे आलू की सब्ज़ी और साथ में रोटी। पूड़ी इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि ना अभी 3-4 दिन से हमारे वहाँ को पता ही प्रोग्राम था, तो वहाँ पूड़ी 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 होने में लगी हुई थी, तो इसलिए आज आलू बन रहा है, रोटी बन रही है। और गाइस आज अभी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना अभी, और आज मुझे सच्ची बताऊँ तो मुझे भूख भी नहीं लगी वैसे इतनी, जैसे मैं पिछली बार नहीं हुआ था क्योंकि नए नए व्रत रखो तो थोड़ा होता है ना मम्मा। और आज मंजू हुआ भी थी, फिर हम बाहर घूमने में बताई थी, हम प्लस बिजी रहे थे, तो इस चक्कर में आज मुझे इतनी भूख भी नहीं लगी। बाकी अब भी जो खुशबू आ रही है ना पीछे से, अब वो क्या बताऊँ मैं ऐसे करके, बट मन कर रहा है खाने का।